जैसे टच किया स्वामी को मैंने ऐसे लगा कि मैं ये दुनिया में ही नहीं हूं और किधर पहुंच गया मैं आपने कहा स्वामी नजदीक कैसे आए उसकी मैं स्टोरी डेवलप कर रहा हूं वापस जब आए कुछ करीबन एक साल या लड़की आई ठीक बेटी हुई और इस बीच में बेटी की पहले तबीयत भी ठीक नहीं थी मिसेस की तबीयत ठीक नहीं थी उससे भी बढ़कर मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री में काम करके ऐसे लग रहा था कि कुछ मैंने लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मैं उनको बॉसेस को जाके कहा कि भई मुझे ज़रा ट्रांसफर दे दो हेड ऑफिस में ताकि मैं केमिकल फैक्ट्री में काम थोड़ा अवॉइड कर सकूं दूर कर, हो सकूं बोले नहीं आपको नहीं दे सकते ऐसे और आ, आपको देंगे तो यूनियन का बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आ, इतनी तबीयत बिगड़ती गई मैंने छुट्टी लेके अपनी मिसेस को कहा कि हम भगवान के दर्शन के लिए जा सकते हैं। क्योंकि अब तक भगवान ने इतना दिया विश्वास तो भर गया ना कि ये कुछ भी कर सकते हैं देन कही ठीक है हम लोग पुटपर्ति में फर्स्ट टाइम 1982 में आए बयासी में और दशहरा का टाइम था अक्टूबर था 27 अक्टूबर मुझे अच्छी तरह याद है बहुत बारिश थी आए तो अकोमोडेशन भी नहीं मिली बोले शेड्स में जाइए और छोटी बच्ची उसको डायरिया हो गई और बोले कि डॉक्टर्स वगैरह यहाँ नहीं है एक मेडिकल कैंप है वहाँ जाके देखिए उन्होंने कहा कि ये टैबलेट है ये देख के देखिए फ़ायदा होता है नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते वो टैबलेट दी बच्ची को थोड़ा अच्छा लगा और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरी मिसेस ने कहा कि आप दर्शन करके आओ मैंने दर्शन किए हैं बहुत मैं यहाँ भी आ चुकी हूँ आप फर्स्ट टाइम आए हैं आप जाइए तो मैं आके दर्शन लाइन में बैठा 1982 एटी टू मंथ ऑफ अक्टूबर वो इतना क्राउडेड uh, था और फैसिलिटी सुविधाएँ कुछ नहीं थी भीड़ इतनी थी दशहरा का टाइम था सो so, दर्शन के लिए मुझे उसने भेजा मैं आके बैठा तो मैं फ्रंट लाइन मैंने पहली पहली जो लाइन होती है दर्शन ग्राउंड पे उसे फोर्थ और फिफ्थ रो पे चार और पाँच पाँचवीं लाइन में था और स्वामी जी आए दर्शन के लिए लेडीज साइड दर्शन पूरा किया फिर लेडीज और जेंट्स के बीच में एक गणेशा का राउंड होता था रेत का जमीन थी रेत कैसे बड़ी हुई थी तो वो स्वामी जी और किसी से बात कर रहे थे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे दे, दे तो मुझे ऐसे लगा जैसे ना एक राजकुमार अपने को समझता है मैं उठा वो टाइम पे सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं की जी उठा जी और सीधा आ गया स्वामी के सामने, और अपना माथा स्वामी के चरणों पर रख लिया जैसे टच किया स्वामी को मैंने ऐसे लगा कि मैं ये दुनिया में ही नहीं हूं और किधर पहुंच गया मैं पता ही नहीं चला कि मैं हूं कि नहीं हूं क्या है ऐसी जैसे करंट बोलो ऐसी वाइब्रेशंस बोलो मुझे मालूम नहीं क्या हुआ मुझे अंदर मुझे सिर्फ खाली इतना मालूम है कि किसने ऐसे किया और मैं उठा और वापस लाइक अ प्रिंस वैसे मैं वापस जाके बैठा शान और शान क्या इतनी तस्ली हो गई कि कि भाई ये भगवान है क्योंकि आज तक इतने सारे साधु मुनि और सेजेस महात्माओं घर में जब आते थे मेरे पिताजी बड़े उनको लाके उनकी सर्व करते थे तो मुझे कहते कि उनके पांव छूड़ू छो आज तक मुझे किसी के पांव छूने से बल्कि मां बाप के पास पांव छूने से भी कभी ऐसा करंट नहीं आया तो मैंने कहा कि ये भगवान ही हो सकता है क्या। ये था कि फर्स्ट कन्विक्शन हंड्रेड परसेंट कि ये भगवान है उसके बाद मेरे मन में कभी नहीं आया कितना भी कोई कुछ भी बोले भगवान के लिए मतलब इन विचारों को मालूम नहीं है इन्होंने आजमुदा नहीं लिया सो so, ये आपका छोटे क्वेश्चन का इतना बड़ा लंबी स्टोरी बताई मैंने आपको